अरे पंडित जी, जैसा आपने हमसे कहा था ना, हमने वैसे तो लिखवाए। क्या मैं लिखा है? ताला में नहाना, कपड़े धोना, विशाल में मुंडन, हाँ? सब बना है। हाँ? लेकिन लोग कर रहे हैं। मूवी के बारे में बताइए, किस तरीके मूवी आपका क्या कहता है? ये पंचकृति है और पंचकृति में 5 कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी है खोपड़ी, जिसको जिसमें मैं एक पंडित का किरदार निभा रहा हूँ। और पूरी कोशिश की है कि बहुत एंटरटेनिंग बने और बनी भी है। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगी। खोपड़ी के बारे में जान सकते हैं? खोपड़ी के जैसे, हाँ, मेरी जो कहानी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ खोपड़ी है, और उसी में मैं ये पंडित वाला किरदार निभा रहा हूँ। आपने कई फिल्मों में मुख्य किरदार की भूमिका निभाई है और पूरी फिल्म का फोकस आपका रहता है, इस फिल्म में भी आपका मुख्य किरदार ही है? हाँ, कहानी जो कहानी है ना खोपड़ी, 5 कहानियाँ हैं, 5 कहानी में से जो खोपड़ी वाली कहानी है वो उसमें मुख्य किरदार है। और बहुत मज़ा आया करने में, बड़ी ही जिसे कहना चाहिए कि एक पारिवारिक फिल्म है, पारिवारिक कहानी है। जैसे दादा दादी नाना नानी जो कहानियाँ हम बचपन में सुनते थे, तो उसी तरह की ये कहानी है। और इसको सुनने नहीं, इसको देखने में मज़ा आएगा। जिस तरीके से बुंदेलखंड की भाषा की बात करें तो आ रा शब्द का बड़ा साइलेंट रहता है। देखो ये एक सेकंड, भाषा कुछ नहीं, मैंने ब्रज कुछ नहीं, मैंने ब्रज का टच दिया उसमें, टच दिया है ना। हर जगह हर कहानी में एक्टर के लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, तो एक डिफरेंट लैंग्वेज करना था हमारे लिए, बुंदेलखंडी बोलना, और वहाँ का कल्चर, चीज़ें, स्क्रिप्ट डिफरेंट थी, बहुत यूनिक स्क्रिप्ट थी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि ज़रूर इसे करना चाहिए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिल्म के रोल को लेकर आपका रोल क्या है? रोल एक बहुत ही इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है, और बहुत प्यारी केमिस्ट्री है, और लड़की जो है वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, तो बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है। अब आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एंडिंग क्या है, चीज़ें हैं। बड़े शहरों की बात की जाए तो बड़े शहरों की जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो चुकी हैं और उन लोगों को सब कुछ पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं। बट जो हमारी फिल्म है, एक छोटी जगह, एक छोटा सा जो है बुंदेलखंड कह सकते हैं, तो बुंदेलखंड जो है वो बड़ा शहर भी है, बुंदेलखंड में बड़ा शहर भी आता है, कुछ छोटे छोटे बहुत सारे छोटे गाँव कस्बे हैं। तो जहाँ तक वहाँ की लड़कियाँ इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, और पढ़ी लिखी है भी तो लेकिन उनके पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं कि जो उन लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट करे। वो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि नहीं, यहाँ रात में नहीं जाना है, या फिर वो काम नहीं करना है, वहाँ तुमको भूत लग जाएगा, या वहाँ तुमको तुम्हारे पीछे कुछ पड़ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। तो इसी मुद्दे पर सी अर्बन एरियाज़ में देखिए, सो वी ऑल नो दैट वुमेन जॉब करती हैं, देर वेल एजुकेटेड एंड दे नो अबाउट देयर राइट्स एज शी शेड। बट अभी भी अगर हम जॉब में देखें ना, तो वुमेन को अभी भी सैलरी एज़ कम्पेयर टू मैन उतनी नहीं दी जाती है। उनको अभी भी अर्बन एरियाज़ में देर लाइक नहीं, अकेले घर से बाहर नहीं जाना है, तुम पे विश्वास कैसे करें, भाई को साथ ले जाओ, दादू को साथ ले जाओ, पापा को साथ ले जाओ, तो ऐसा होता है। एंड मे बी दे आर अर्बन एरियाज के पेरेंट्स फॉर अ गर्ल दे आर वेरी कंजर्वेटिव एंड प्रोटेक्टिव, मे बी एट सम पॉइंट दे आर राइट, बिकॉज वुमेन के लिए अभी भी अर्बन एरियाज आर नॉट सेफ स्टिल, बिकॉज वी स्टिल हैव डेविल्स लाइक यू नो। मेरे जो स्टोरी है उसमें भी यही है अबाउट ईव टीजिंग, जो कि छोटे गांव में और बड़े गांव हर जगह है अभी ईव टीजिंग। तो सो हाउ माय कैरेक्टर डील्स विद दैट इज ऑल अबाउट इन माय स्टोरी। गुड फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स, जिसमें पहले 7 दिन लकी ड्रॉ से हर शो में भाग्यशाली जीतेंगे 3 कीमती उपहार।